हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फाइनली फ्रेंड्स, हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और मैं इस FF का नेक्स्ट पार्ट आप सबके साथ शेयर करने के लिए वापस आ गई। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट उन सब से जो चैनल पर नए आ रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए, ऑथर कृष्णा देवान मलिक का लिखा ये FF लव कॉन्स्पिरेसी विद माफिया किंग्स हार्ट का हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे वांग जी विंग को खो देने का दुख अपने दिल में लिए चीख चीख कर बस विंग का नाम लेकर उसे आई लव यू कहता रहता है, जो आई लव यू पूरे ऑपरेशन थिएटर में गूंजे जा रहा था। और वांग जी बस विंग के लिए रोए ही जा रहा था, जिसे संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग की डेड बॉडी अपने मन में सोच रही थी, ओ गॉड, क्या ये सच है? क्या सच में वांग जी मुझसे, बस मुझसे प्यार करता है? लेकिन वांग जी ने तो मेरे कक्का से शादी किया है, फिर आखिर कैसे वांग जी ये सब मुझे बोल सकता है कि वांग जी मुझसे प्यार करते हैं? लेकिन वांग जी की हालत को फील करने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि वांग जी सच में बस मुझसे ही प्यार करते हैं, क्योंकि ये सब वांग जी के फेरोमोन से ही पता चल रहा है कि वांग जी कितना ज्यादा हर्ट है। वो मेरे मरने की बात सुनकर ही कितना ज्यादा डर गए हैं। गॉड, अब मैं क्या करूं? मुझसे तो इनका रोना सहा ही नहीं जा रहा है। लेकिन ये सब वांग जी ने आखिर किया क्यों? तो क्या वांग जी ने सिर्फ मेरे गगा से बदला लेने के लिए उनसे शादी की है? क्योंकि वांग जी की हालत देख के तो मुझे सच में यही लग रहा है कि वांग जी बस मुझसे प्यार करते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये सब आखिर हो क्या रहा है? हे भगवान, आखिर सच क्या है? वांग जी का मेरे गगा के साथ शादी करना या इस पल अपने प्यार का इजहार करना? ओह नो, कहीं वांग जी ने मेरे गगा के साथ कुछ कर तो नहीं दिया है और उसी वजह से वांग जी को भी चोट लगी है? आखिर क्या हुआ होगा दोनों के बीच? जो सारी बातें सोचते सोचते विंग के आंखों से आंसू निकल आते हैं, जिन आंसुओं को आंखों से निकलते हुए विंग की वांग जी नोटिस कर लेता है और विंग का रिएक्शन पाकर वांग जी बहुत खुश हो जाता है। और वो अपने मन में भगवान को थैंक यू कहकर यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उसका ओमेगा, उसका विंग उसके पास वापस आ गया था, वो जिंदा है। जहाँ वांग जी विंग को जिंदा पाकर अगले ही पल फौरन विंग को अपने सीने से लगा लेता है और विंग का नाम ले लेकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। विंग, होश में आओ, प्लीज अपनी आंखें खोलो। वहीं वांग जी का रिएक्शन देखकर और विंग को जिंदा पाकर शू यांग, जो वहीं खड़ा था, बिना वक्त गवाए सीधे बाहर की तरफ भागता है और डॉक्टर को बुलाकर लाता है। और जब तक डॉक्टर अंदर आते हैं, तब तक विंग अपनी आंखें तक खोल चुका था, जिसे होश में वांग जी की बाहों में देखकर डॉक्टर फौरन वांग जी से विंग को छोड़कर बाहर जाने को बोलते हैं। लेकिन वांग जी विंग का हाथ पकड़े ही रहता है, उसे छोड़कर बाहर नहीं जाता और डॉक्टर से डीप वॉइस में कहता है कि वो लोग फौरन विंग को चेक करें। वांग जी विंग को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जहां वांग जी की बातें सुनते ही विंग, जो बहुत ज्यादा थका हुआ था, बड़ी मुश्किल से धीमी आवाज में वांग जी से कहता है, वांग जी, आप प्लीज बाहर जाओ, डॉक्टर की बात मान लो, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, तो अब प्लीज़ बेफिक्र होकर बाहर जाओ और डॉक्टर को अपना काम करने दो। जहाँ विंग की बात सुनते ही वांग जी फौरन एक अच्छे बच्चे की तरह विंग की बात को मानते हुए शू यांग के साथ बाहर चला जाता है और बाहर जाकर सबको इन्फॉर्मेशन देता है कि विंग ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, विंग को होश आ गया है। जो न्यूज़ सुनते ही अंकल चिरैन, अंकल मो और बाकी सब भी बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं अंकल चिरैन तो वांग जी को अपने गले से ही लगा लेते हैं, जो सब देखकर सबके चेहरों पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वहीं अंकल चिरैन की तरह शू यांग भी खुशी के मारे चाओ शिंगचेन को गले लगाकर बोलता है, देखा शिंगचेन, हमारा वांग जी विंग को सच्चा प्यार करता है। जिस सच्चे प्यार की वजह से विंग को आज मौत के मुंह से भी वापस आना पड़ा वांग जी के पास। जो शू यांग की बात सुनकर चाओ शिंगचेन भी अपना हक टाइट करते हुए बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर के अंदर विंग को दिखाया जाता है, जिसे डॉक्टर सॉरी बोल रहे थे। सॉरी मिस्टर वे, हमें नहीं पता था कि आपके अल्फा को होश आ जाएगा और वो यहाँ आपके पास आ जाएंगे। हमने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की थी, पर हम कुछ नहीं कर पाए और अब मुझे नहीं लगता हम इससे ज्यादा आपकी कोई मदद कर पाएंगे। ये तभी सीनियर डॉक्टर एक पॉज लेकर आगे कहता है, मिस्टर वे, अब मैं सच में कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको खुद अपना ध्यान रखना होगा। वैसे भी आज आपके अल्फा की हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि आपका अल्फा अब आपके ऊपर
आगे कोई टॉर्चर करेगा। मैंने खुद उनकी आंखों में आपको खोने का डर देखा है, साफ साफ दिख रहा था उनकी आंखों में आपको खोने का डर। तो अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो आप दोनों अपनी लाइफ आगे बहुत अच्छे से बिता सकते हैं। और मिस्टर वे, मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ी और कोशिश करेंगे तो आप अपने हस्बैंड को बदल सकते हो। तो डॉक्टर की सारी बातें विंग चुपचाप सुनता है और बस ओके में अपना सिर हिला देता है, जिसके बाद विंग को एक वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। जिस वीआईपी रूम में विंग के शिफ्ट होते ही वांग जी भी कहता है कि वो भी विंग के साथ उसी वीआईपी रूम में रहेगा, क्योंकि वांग जी का ओमेगा देख नहीं सकता था, जिसका ख्याल वांग जी खुद रखना चाहता था। दरअसल वांग जी ने विंग को अभी ही बस खोते खोते ही वापस पाया था, इसलिए वांग जी विंग से दूर रहना ही नहीं चाहता था। वो बस विंग के पास रहकर खुद से विंग का ख्याल रखना चाहता था। जो सब बातें कहते हुए वांग जी का डर और वांग जी की तकलीफ, वांग जी की हालत देखकर सबको पता चल रही थी वांग जी कितने तकलीफ में है, इसलिए कोई भी वांग जी को और ज्यादा तकलीफ देना भी नहीं चाहते थे। वहीं वांग जी की हालत देखकर अंकल चिरन डॉक्टर से कहते हैं, वांग जी की तबीयत के बारे में सोचकर यही अच्छा होगा कि दोनों को एक साथ ही रहने दिया जाए। तो अंकल चिरन की बात डॉक्टर भी समझ जाते हैं और साथ में ही सारे डॉक्टर्स वांग जी के रौद्र रूप से डरे भी हुए थे। जिन सबको ख्याल में रखते हुए डॉक्टर कहते हैं कि वांग जी होश में आते ही विंग के पास आ गया था, जिसकी वजह से वांग जी का प्रॉपर चेकअप नहीं हो पाया। इसलिए डॉक्टर चाहते हैं कि वांग जी एक बार के लिए वापस अपने रूम में जाए, ताकि कंसर्न्ड डॉक्टर वांग जी का प्रॉपर चेकअप करके वांग जी को विंग के पास वीआईपी रूम में शिफ्ट होने की परमिशन दे सके। जो डॉक्टर की बात को समझते हुए वांग जी वैसा ही करता है और वापस अपने रूम में चला जाता है। तभी वांग जी के वहां से जाते ही डॉक्टर अंकल चिरैन को देखकर कहते हैं, मिस्टर लैन आप परेशान न हो, हम वांग जी का प्रॉपर चेकअप करके उन्हें यहां पे शिफ्ट कर देंगे इस वीआईपी रूम में उनके ओमेगा के पास। जिस बात को सुनकर अंकल चिरैन बस ओके में अपना सिर हिला देते हैं। फिर डॉक्टर विंग की तरफ मुड़कर विंग को देखते हुए कहते हैं, थोड़ी देर में एक नर्स बेबी भी विंग को लाकर दे देंगी, बेबी अभी नर्सरी में है और डॉक्टर बेबी का चेकअप कर रहे हैं। जो बात कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, जिसके जाते ही वहां फादर सोंग लांग आ जाते हैं विंग से मिलने के लिए। जहां आकर फादर सोंग लांग बहुत पोलाइटली विंग का नाम लेते हैं। तभी फादर सोंग लांग की आवाज सुनते ही विंग एक छोटी सी स्माइल के साथ फादर सोंग लांग को ग्रीट करता है। फिर फादर सोंग लांग का इंट्रोडक्शन विंग अंकल चिरैन और अंकल मो से करवाता है, जहां सारे ही एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और बैठकर विंग के साथ थोड़ी देर बातें करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद अंकल चिरैन विंग से रेस्ट करने का कहकर अंकल मो को लेकर वांग जी के पास चले जाते हैं। जिन सबके जाते ही उस वीआईपी रूम में बस फादर सोंग लांग और विंग ही रह जाते हैं कि तभी अगले ही पल फादर सोंग लांग विंग के पास आकर बैठते हुए पूछते हैं, ये सब क्या हो रहा है विंग? डॉक्टर ने तो मुझे फोन करके कुछ और ही बोला था, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ और ही हो रहा है। जहाँ फादर सोंग लांग की कन्फ्यूजन से भरी सवालों को सुनकर विंग फादर सोंग लांग का एक हाथ पकड़कर कहता है कि वो फादर को सब समझा देगा। तब यहाँ एक छोटा सा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जहाँ हमें पता चलेगा कि विंग ने आखिर क्या किया था। दरअसल जब विंग को हॉस्पिटल लाया गया था तब वो बेहोश था, इसलिए डॉक्टर उसके सर्जरी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि सर्जरी स्टार्ट हो पाती विंग को होश आ गया था। विंग को लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे, जहां विंग को होश में पाकर और उसे डिलीवरी के लिए रेडी देखकर डॉक्टर सर्जरी नहीं करते और विंग को बेबी डिलीवर होने में हेल्प करने लगते हैं। इन सारी बातों के बारे में सीनियर डॉक्टर अपने एक जूनियर डॉक्टर को बुलाकर बोलता है कि वो ये सारी इन्फॉर्मेशन बाहर लैन फैमिली को दे दे कि विंग को होश आ गया है और सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो जूनियर डॉक्टर वहां से जा पाता, विंग को अचानक सब याद आने लगता है कि उसने क्या सुना था। उसे याद आ जाता है कि बेहोश होने से पहले उसने सुना था कि उसके अल्फा को गोली लगी है, उसके वांग जी की जान खतरे में है। तो बात याद आते ही विंग पैनिक करने लगता है, जहां विंग की हालत को बिगड़ता देखकर सारे डॉक्टर्स और नर्सेस मिलके विंग को संभालने की कोशिश करने लगते हैं। और डॉक्टर विंग को बताते हैं कि उसका अल्फा बिल्कुल ठीक है और इसी हॉस्पिटल में है। तो डॉक्टर की बात सुनकर विंग थोड़ा शांत होता है, लेकिन उसे अगले ही पल एक और बात याद आ जाती है कि उसके अल्फा ने उसके ही गग्गा से शादी कर लिया है, जहां उन दोनों के बीच में विंग एक थर्ड पर्सन है वांग जी की जिंदगी में। इसलिए विंग को अब यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, विंग की यहाँ अब कोई जरूरत नहीं है। उसके अल्फा की जिंदगी में अब विंग की
कोई जगह नहीं है। विंग खुद नहीं चाहता कि कभी भी उसकी वजह से आगे जाकर वांग जी और उसके गग्गा की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए। साथ ही विंग ये भी नहीं चाहता कि आगे जाकर कोई भी विंग के बेबी को इललिजिटिमेट कहे। तो सारी बातें अपने मन में सोचते हुए विंग फैसला करता है कि वो अपने बेबी को अपने गग्गा को देकर उनकी जिंदगी से दूर चला जाएगा। फिर पूरी दुनिया वांग जी और उसके वूशन गग्गा को ही उसके बेबी का फादर और मदर समझेंगे। लेकिन विंग ये भी अच्छे से जानता था कि अगर विंग खुद जाने की बात करेगा तो उसका अल्फा कभी विंग को जाने ही नहीं देगा। वहीं विंग ये भी अच्छे से जानता था कि उसका वूशन गग्गा विंग की खातिर अपना हर दुख छुपाकर भी विंग को अपना लेंगे, जो दुख विंग ना ही तो अपने गग्गा को देना चाहता था और ना ही अपने अल्फा को। इसलिए विंग बहुत बुरी हालत में बहुत मुश्किल से डॉक्टर से कहता है कि वांग जी एक माफिया है और वो जोर जबरदस्ती विंग को उठाकर लाया है और अब विंग को प्रेग्नेंट तक कर दिया है। विंग देख नहीं सकता है, मजबूर है, इसलिए सारे डॉक्टर्स उसकी मदद करें। विंग को ये बेबी नहीं चाहिए, इसलिए डॉक्टर्स ये बेबी उसकी फैमिली को ही दे दे, वांग जी की फैमिली को, और उन्हें बोल दे कि विंग नहीं रहा, विंग मर चुका है। सारी रिक्वेस्ट विंग हाथ जोड़कर डॉक्टर के सामने कहता है। तभी विंग की बिगड़ती हालत देखकर डॉक्टर फौरन विंग का हाथ पकड़कर कहते हैं कि मिस्टर वे को शांत हो जाना चाहिए। भी अगले ही पल विंग शांत ना होते हुए ही डॉक्टर से आगे कहता है कि वो डॉक्टर को फादर सॉन्ग लांग का नंबर दे रहा है, डॉक्टर फौरन उनसे बात करें तो डॉक्टर को पता चल जाएगा कि विंग पहले उन्हीं के पास रह रहा था जिनके पास से ही वांग जी विंग को जोर जबरदस्ती उठाकर लाया है। तो सारी बातें कहते हुए विंग प्लीडिंग टोन में डॉक्टर से दोबारा उसकी हेल्प करने को कहता है, डॉक्टर प्लीज उसकी हेल्प कर दें। यहाँ अपने सामने एक ओमेगा को इस तरह बेबस और लाचार देखकर डॉक्टर को उस ओमेगा पर तरस आ जाता है। उनको विंग के लिए पूरा फील होता है, एक तो विंग ब्लाइंड है और दूसरा उसके ऊपर इतना टॉर्चर हुआ है, और इन सबसे बड़ी बात कि एक मासूम ओमेगा एक माफिया के बीच में फंस गया है। तो सारी बातें सोचते हुए डॉक्टर विंग की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं और फौरन फादर सॉन्ग लांग को कॉल करके विंग की कही बातों को वेरीफाई करते हैं, जिस पर फादर सॉन्ग लांग भी वही बताते हैं जो विंग ने डॉक्टर को बताया था कि वांग जी विंग को जोर जबरदस्ती अपने साथ उठाकर ले गया था। जहां फादर सॉन्ग लांग को भी यही लगता था कि विंग को अपने साथ जोर जबरदस्ती उठाकर ले जाने के बाद वांग जी ने विंग को टॉर्चर ही किया होगा वूशन का बदला लेने के लिए। फिर जब फादर सॉन्ग लांग की बातें सुनकर डॉक्टर विंग की हालत के बारे में बताते हैं तो डॉक्टर की बातों से फादर सॉन्ग लांग बहुत डर जाते हैं और फौरन विंग के पास आने के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा विंग ने रिक्वेस्ट किया था और वो सब बाहर आकर बोल देते हैं कि विंग अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन वो डॉक्टर क्या जानते थे कि वांग जी अचानक वहां आकर पूरा तांडव ही मचा देगा। फिर उसके बाद जब वांग जी विंग के पास आकर उसे आई लव यू बोलकर अपना लव कन्फेस कर रहा था और रो रो कर विंग को वापस वांग जी के पास आने की रिक्वेस्ट कर रहा था, तब विंग वांग जी के सामने एक डेड बॉडी बना हुआ प्रिटेंड कर रहा था, अपने मन में बहुत सारी बातें सोचने लगता है। वहीं विंग अपने मन में डर भी रहा था कि अगर वांग जी को ये पता चल गया कि विंग मरने का नाटक कर रहा है तो पता नहीं वांग जी विंग का क्या हाल करेगा। जहां विंग तो सच में हाफ कॉन्शियस माइंड में था, जिसकी बॉडी ऑलरेडी वीक थी और बेबी बर्थ के बाद उसकी बची कुची जान भी निकल चुकी थी, इसलिए विंग सच में एक लाइफलेस बॉडी की तरह पड़ा हुआ था। वहीं विंग को खो देने के डर और परेशानी तकलीफ में वांग जी इतना पागल हो चुका था कि वो अपनी पूरी सुध बुद्ध ही गवा चुका था, इसलिए वो विंग की धीमी धीमी चल रही धड़कनों को सुन ही नहीं पाया था। फिर बाद में विंग के आंसू देखकर वांग जी को रियलाइज हुआ था कि विंग बच गया है। जो सारी बात विंग इधर फादर सॉन्ग लांग को बता देता है, जो सारी बात विंग से जानने के बाद फादर सॉन्ग लांग बहुत परेशान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वांग जी सच में प्यार किससे करता है। तभी फादर सॉन्ग लांग विंग से थोड़ा संभल कर रहने को बोलते हैं, क्योंकि अभी भी फादर सॉन्ग लांग को अपने मन में वांग जी पर भरोसा नहीं हो रहा था और फादर सॉन्ग लांग को विंग के साथ साथ भूषण के लिए भी टेंशन हो रही थी। लेकिन ये सारी बातें फादर सॉन्ग लांग विंग को नहीं बता सकते थे, क्योंकि फादर सॉन्ग लांग विंग को टेंशन नहीं देना चाहते थे, इसलिए बस फादर सॉन्ग लांग विंग से कहते हैं कि विंग को थोड़ा संभल कर रहना चाहिए और फादर सॉन्ग लांग बाद में आकर फिर से विंग को मिलेंगे। जो बात बोलकर फादर सॉन्ग लांग वहां से चले जाते हैं। वहीं फादर सॉन्ग लांग के जाते ही
वहां वांग जी आ जाता है बाकी सबके साथ, जो रूम में एंटर करते ही सीधा जाकर विंग को हग कर लेता है। जहां वांग जी का मन तो विंग को किस करने का कर रहा था, लेकिन अपने आसपास सारे लोगों को खड़ा देखकर वांग जी बड़ी मुश्किल से खुद को संभालता है। तभी वहां थोड़ी देर में एक डॉक्टर नर्स के साथ विंग और वांग जी के बेबी को भी ले आते हैं, जिसे नर्स विंग की गोद में दे देती है। और डॉक्टर सबको बताते हैं कि ये बेबी बॉय है और ये एक अल्फा बॉय है। जो बात सुनते ही वांग जी बेबी को विंग की गोद से लेकर बेबी के फोरहेड पर एक सॉफ्ट किस करता है और एक क्यूट सी स्माइल के साथ बेबी को नाम देता है चिजुई, जो वांग जी का दिया नाम सबको पसंद आता है, जो बात सबके चेहरों की खुशी क्लियर कर रही थी। लेकिन वहां विंग को देखकर साफ पता लग रहा था कि विंग खुश नहीं था। तो विंग का उदास चेहरा देखकर वांग जी पूछ ही लेता है, क्या बात है विंग, तुम खुश नहीं हो? जो बात पूछकर वांग जी बेबी को अपने गोदी में लेकर ही विंग के और करीब बैठकर आगे कहता है, पता है विंग, हमारे बेबी के होठ के नीचे भी ठीक वैसा ही तिल है जैसा तुम्हारे होठों के नीचे है। लेकिन विंग वांग जी की किसी भी बात का रिएक्शन ना देते हुए सीधे एक सवाल करता है, वांग जी मेरे श्यान गग्गा कहाँ है, मेरे भाई कहाँ है वांग जी, या मेरे गग्गा को कुछ हो गया है? जहाँ विंग को इतना परेशान देखकर और उसके सवालों को सुनकर वांग जी विंग का एक हाथ पकड़कर उस हाथ पर एक किस करके बहुत पोलाइटली कहता है, विंग श्यान बिल्कुल ठीक है, अब जब तुम और मैं दोनों ही घर वापस जाएंगे तो तुम खुद देख लेना, श्यान खुद हमारे घर में तुम्हारा वेलकम करेगा। जो बात कहकर वांग जी सबके सामने शेमलेस बनते हुए बिना झिझके फाइनली विंग के लिप्स पर एक छोटा सा किस कर ही देता है। जहां अंकल चिरैन तो वुशन के नाम से ही चिढ़ जाते हैं और इस पर कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि तभी अंकल मो अंकल चिरैन को इशारे में चुप रहने को कहते हैं। जो अंकल मो का इशारा देखकर अंकल चिरैन चुप हो जाते हैं और अगले ही पल अंकल मो अंकल चिरैन के पास आकर कहते हैं, चिरैन इनको अपना रिश्ता खुद संभाल ले दो, इनके बीच कुछ मत बोलो। तो अंकल मो की बात को समझते हुए अंकल चिरैन चुप हो जाते हैं और कुछ नहीं कहते। वहीं दूसरी तरफ विंग के दिल में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन विंग ये भी जानता था कि अब आगे जो कुछ भी होगा उसमें विंग की कोई नहीं सुनेगा, खासतौर पर उसका अल्फा उसका वांग जी कभी विंग की बात नहीं सुनेगा, विंग को कहीं जाने नहीं देगा। जिसके बाद अगले दो दिन वांग जी विंग और अपने बेबी के साथ हॉस्पिटल में ही रहता है। तो दो दिन हॉस्पिटल में वांग जी अपने ओमेगा और अपने बेबी के साथ बहुत इंजॉय करता है, साथ ही दोनों को पैम्पर भी करता है। जहां इन दो दिनों में विंग फिर से वांग जी का सच्चा प्यार पाकर सब कुछ भूल जाता है, और अगर उसे कुछ याद रहता है तो वो बस वांग जी का प्यार। वहीं विंग और वांग जी के बीच में सब कुछ ठीक पाकर अंकल चिरैन भी इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं और वांग जी और विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुयांग और शाओ शिंगचेंग के कंधे पे डालकर अंकल मो को लेकर कहीं वेकेशन पर चले जाते हैं। वहीं अब दो दिन पूरे हो चुके थे, वांग जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर विंग और अपने बेबी के साथ मेंशन वापस आता है। जहां इस वक्त वांग जी विंग और अपने बेबी के साथ मेंशन के दरवाजे के सामने खड़ा था, जहां एक हाथ में वांग जी के बेबी था और दूसरे हाथ से वांग जी ने विंग को कमर से पकड़ा हुआ था, जिस पर विंग शाय फील करते हुए वांग जी के हाथों से खुद को छुड़ाने में लगा हुआ था। लेकिन वांग जी था कि विंग को छोड़ ही नहीं रहा था, बल्कि वो तो विंग को और अपने करीब खींच रहा था। वहीं दूसरी तरफ मेंशन के अंदर वुशन वांग जी के आने का इंतजार कर रहा था। तो जैसे ही वुशन को वांग जी के आने की खबर पता लगती है तो वो भागकर ऐसे ही मेंशन का मेड डोर ओपन करता है। वो अपने सामने वांग जी और विंग को ऐसी हालत में इतना इंटीमेट तरीके से एक दूसरे के साथ पाकर और गोद में बेबी को देखकर वुशन के हाथों से उसका फोन गिर जाता है और आंखों से उसके आंसू निकल आते हैं, क्योंकि वुशन जो अपने सामने देख रहा था उसे उस नजारे पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था। वुशन अपने ही अल्फा को अपने ही छोटे भाई के साथ देखकर ये सब सह नहीं पा रहा था। वुशन समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब आखिर क्या है, उसका अपना ही छोटा भाई उसी के अल्फा के साथ। वो सब सोचकर वुशन को अपने दिल में बहुत ज्यादा दर्द फील हो रहा था, ये सोचकर कि उसके ही छोटे भाई ने उसी के अल्फा के साथ गलत रिश्ता बनाया है और बेबी उनका बेबी भी है। वो सारी बातें सोचते हुए वुशन को अब दुख से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था ये सोचकर कि उसके खुद के भाई और अल्फा ने मिलकर उसे चीट किया है। इस छोटे भाई को वुशन अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है,
कुशान को इस पल उसी भाई को मार डालने का मन कर रहा था। वहीं अपने अल्फा और अपने भाई को अपने साथ धोखा करता हुआ पाकर वुशन पूरी तरह गुस्से में पागल हो रहा था। वो अपने होश खो बैठा था। उसे खुद नहीं पता चल रहा था कि वो क्या करने वाला है, क्योंकि अगले ही पल वुशन अपनी बंदूक निकालकर विंग के ऊपर तान देता है। वहीं विंग था जो कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसे अपने भाई की ओमेगा सेंट फील हो जाती है और वो समझ जाता है कि उसके सामने उसके वुशन गगा खड़े हैं, जो अपने गगा के फेरामोन्स को फील करके विंग मन में बहुत खुश होकर बोलता है कि सच विंग का अल्फा विंग से कितना प्यार करता है कि उसका अल्फा जो भी वादा विंग से करता है उसे पूरा करता है। वहीं हॉस्पिटल में भी वांग जी रात को विंग को गिफ्ट देना तक नहीं भूला था। वांग जी के कहने पर विंग का गिफ्ट रोज उसके पास आ जाया करता था। जो सब बातें मन में सोचते हुए विंग एक स्माइल के साथ अपने वुशन गगा का नाम लेता है और तब जाकर वांग जी का ध्यान अपने बेबी और विंग से हटकर वुशन की तरफ जाता है, जहां वुशन को विंग के ऊपर बंदूक ताने खड़ा देखकर वांग जी बुरी तरह से पैनिक होकर विंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और चीख कर वुशन का नाम लेता है, वुशन। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पार्ट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फाइनली फ्रेंड्स, हमारे ऑथर कृष्णा ने लिखना दोबारा से स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ उन्हें और मोटिवेट कीजिएगा ताकि रोज़ आपको इस FF का अपडेट मिलता रहे। इतना तो हम सब मिलकर कर ही सकते हैं, है ना? तो बस मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और एक रिक्वेस्ट उन सब से जो चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।